अतीक अहमद जो माफिया है उस पर अभी इलाहाबाद में हत्याकांड का आरोप लगा है और पुलिस मऊ में भी आ गई है। माना जा रहा है कि अतीक अहमद के गुर्गे मुख्तार अंसारी के गुर्गे से मिले हुए सब कुछ हैं। क्या लग रहा है यूपी में बुलडोजर आज पर गुंडा हावी हो गए हैं माफिया जो है? जी, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ और जो BSP है और सपा है इसने पहले ही से माफिया पाल रखी है, बात समझ रहे हैं। और माफिया पालने का नतीजा जनता ने सपा और बसपा को मट्टी में मिला दिया और ये सौभाग्य की बात है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी इन माफिया गुंडा और डानों का और इसके गुर्गों को मिट्टी में मिलाने का लिए ऐलान किए हैं विधानसभा से। मैं उनको कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ और कहूँगी, एक संदेश देना चाहती हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपके कार्यकाल में भी बड़े छोटे पद के अधिकारी भी उसी तरह घुसपैठिया कर रहे हैं। अगर इसी तरह की हालात रही तो आपका भी दिन दूर नहीं है, उसी स्तर पे आ जाएंगे जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी की स्तर गिर गई है। मैं एक संदेश दे रही हूँ आपको। क्या कहेंगे जो अतीक अहमद पे हत्या का आरोप लगा है? अतीक अहमद बसपा से अभी ज्वाइन की है उनकी पत्नी, उस पर क्या कहेंगे कि बसपा का सपोर्ट? अरे पहले पाल चुकी थी ना इन दोनों पार्टियों को, सपा बसपा को कुर्सी की लालच थी, ये सब पैसे पे टिकट देते थे, उसको कहाँ नजर था मायावती को, इसके तो सरकार में वो कांड हुआ था, कहाँ गई थी? इस सरकार में भी तो गोली चला रहे हैं सब, तड़तड़ चला रही है तो उसकी तो खोज हो रही है ना, चुन चुन के माफिया डान मारे जा रहे हैं। मायावती और सपा की सरकार में तो ये पाल कर रखे हैं, अगर पाले नहीं होते तो आज भाजपा को ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो भाजपा में भी तो गवाहों को मार रहे हैं चुन चुन के, गवाहों को चुन चुन के मार रहे हैं माफिया। तो फिर योगी आदित्यनाथ जी इस पे कड़ी एक्शन लेंगे। जो आदमी जो मर्द विधानसभा में कहता है कि माफिया गुंडा को मिट्टी में मिला देंगे, इससे बड़ी साबुत हिंदुस्तान के लिए क्या हो सकता है? मुख्तार अंसारी क्या होगा? ये तो भी भाई, ये तो क्या लिए है, इसका तो पाप का घड़ा भरा है। ये मेरी ही हाय पड़ी है कि इसका विनाश हो गया, जिस तरह ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी DM को विनाश हो गया और चरित्रहीन में जेल गया। जय हिंद, जय भारत।